कर्नाटक की बूस्टर डोज से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो जोश जगा है उसका लाभ कांग्रेस को आने वाले कई राज्यों के चुनावों में मिल सकता है। इसी साल कई और ऐसे विधानसभा चुनाव होने हैं जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। कांग्रेस का विजय रथ अगर आगे बढ़ा तो बीजेपी की राह मुश्किल होती चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इस विश्वास में थी कि उसके स्टार नेताओं के दौरों से चुनाव की हवाएं बदल जाया करती हैं। पहली बार बीजेपी ने महसूस किया कि राहुल गांधी नाम की आंधी ने जीत की दिशा बदल दी है। नतीजे बता रहे हैं कि कांग्रेस इस चुनाव में सिर्फ पास नहीं हुई है बल्कि डिस्टिंक्शन के साथ मेरिट लिस्ट में आई है। लेकिन यहाँ से आगे के रास्ते कैसे होंगे, क्या आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा और इससे भी बड़ी बात, क्या बीजेपी के लिए विधानसभा चुनावों में आगे की राह मुश्किल हो जाएगी। मैप के जरिए देखिए, भारत में अभी 15 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। कर्नाटक के बाद इस साल यानी 2023 में अभी 5 राज्यों में और विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में साल के आखिर में चुनाव होने हैं। इनमें से सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मिजोरम में एमएनएफ की सरकार है, तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है। इन चुनावों में बीजेपी के लिए चुनौती है जहां जहां अपनी सरकार है उसको बचाना और जहां नहीं है वहां पर जीतना। कर्नाटक जीत से कांग्रेस के हौसले भी बुलंद जरूर है लेकिन रास्ता आसान उनके लिए भी नहीं है। तेलंगाना में केसीआर से कांग्रेस का मुकाबला आसान नहीं होगा। जड़ें जमाने की कोशिश में बीजेपी भी वहां मौजूद है। टीआरएस से बीआरएस बन चुकी केसीआर की पार्टी की तेलंगाना में गहरी पैठ है। चंद्रशेखर राव 2 बार से लगातार मुख्यमंत्री हैं। 2024 से पहले राजस्थान में भी चुनाव है। यहां पार्टी पहले से गुटबाजी में उलझी है। पायलट और गहलोत के बीच तकरार से कांग्रेस की राह मुश्किल है। राहुल गांधी इस मुश्किल से कैसे पार पाते हैं उनका कड़ा इम्तिहान होगा। छत्तीसगढ़ में पिछली बार कांग्रेस ने 90 में से 68 सीटें जीती थी लेकिन इस बार सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच सियासी अदावत बड़ी चुनौती है। साथ में बीजेपी नेता रमन सिंह की साफ सुथरी छवि भी है। 2018 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 114 पर जीत हासिल कर बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेकर कमलनाथ सीएम तक बन गए थे लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विधायकों के साथ बागी हो गए और बीजेपी की सरकार बन गई। इसलिए ज्योतिरादित्य के गढ़ में कांग्रेस जब तक कोई करिश्मा नहीं करती है कमाल नहीं होने वाला। इन 4 राज्यों में से 3 राज्यों में असल लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। दिल्ली के बाद भारतीय जनता पार्टी को पहली बार इतनी बड़ी हार का स्वाद चखना पड़ा है। जाहिर है उनके लिए न तो इस हार को हजम करना आसान होगा और न ही इसे हवा में उड़ाना। राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को कम समझने की भूल ने पार्टी के पैरों तले से आत्मविश्वास की जमीन खिसका दी है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं, हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। आईटी हब है कर्नाटक, बुद्धिजीवियों का हब है और ये जो परिणाम आए हैं ये जीत कांग्रेस के कार्यकर्ता और बजरंग बली की जीत रहे हैं। जो परिणाम आए हैं आधी सीटें भी, कितनी सीटें कांग्रेस को मिली उसकी आधी सीटें भी बीजेपी को नहीं मिली। कांग्रेस कभी
बीजेपी के विकास कार्यों का मुकाबला कर ही नहीं सकती। बीजेपी के लिए ना तो बड़े बड़े नाम काम आए, ना बड़े बड़े नारे। बीजेपी सिर्फ चुनाव नहीं हारी है, मोदी मैजिक नाम का चमत्कार भी हार गई है।